I'm Momina Mustasin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada. इसे सहारा जरूर दूंगा, जगह न बनाने देना, ये वही है जो तुमसे छीन कर खाती रही है। क्या बात है आपी, सारी रात सोई नहीं क्या? बाहर दब, मैं सोच रही थी कि हम लोग उसी नदी पर चलते हैं जहाँ हम जाया करते थे। बहुत वक्त भी हो गया वो मंजर देखे हुए। वो मंजर धुंधला गए। आपकी दवा का वक्त हो गया। बानमा को दे दो, वो खिला देगी। सुखी, जब आप अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? वो बीबी सर, वो आपकी बहन है जी। अगर मैं उनकी शिकायत आपके सामने लगाती तो आपने समझना था कि मैं शायद चुगली कर रही हूँ उनकी। बहुत जल्दी तुम्हें दिखाई देगी, तो मैं तुम्हारी औकात पर आके दिखाऊंगी तुम्हें। मारो, ये दावे करना छोड़ो। अगर कुछ कर सकती हो तो मुझे वहां जाने से रोक के दिखाओ। अब खुदा करे कि ये सो काम आ जाए, वरना तू यहीं पड़ी रहेगी अपनी ऊंची नाक की वजह से। बेवकूफ, तोड़ बन बारुख। अब क्यों आए हैं आप? चाय जाकर आप ही के पास बैठे। मेरी तरफ देखो, नाराज हो मुझसे? अच्छा, इधर इधर आप मेरे पास बैठो। मैंने कुछ पूछा है, नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं अपनी किस्मत से नाराज हूं जो हमेशा से याद ही रही है। मुझे जिंदगी में कभी कुछ पूरा मुकम्मल नहीं मिला। मैं खुद से नाराज हूं। क्या हुआ है मारुख, तुम रो क्यों रही हो? सुबह से तुम्हें बुला रहा हूं, तुम आ क्यों नहीं रही हो मेरे पास? तो फिर रात को आपने आप ही के सामने मुझे कमरे से जाने के लिए क्यों बोला? वो मेरी बीवी है। वो आपको कुछ ना देकर भी आपके पास एक मुकाम पर फाइज है, और मैं जो आपके कदमों पर अपना जी जान लगा देती हूँ, आपकी खिदमत ऐसे करती हूँ जैसे पूछती हूँ आपको, तो क्या मेरी ये अहमियत है कि मुझे कह दिया जाए कि कमरे से चली जाओ? मारुख, इतनी रात गए तुम्हारा मेरे पास आना लोग मुनासिब नहीं समझेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे तो अपनी सगी बहन की भी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी फिक्र है मुझे। तो फिर क्यों आप मुझे खुद से दूर करते हैं? मुझे आप ही ने कितना मना किया कि मैं बाज आ जाऊं, आपके बुलाने पर भी आपके पास नहीं जाऊं, वरना वो मुझे इस घर से ही निकाल देंगी। पर मैं तो आपकी एक पुकार पे दौड़ी चली आती हूँ, फिर कैसे मुंह मोड़ लिया आपने मुझसे, वो भी आप ही के सामने, जिसने मुझे डरा के रखा हुआ है।
कि मैं सांस भी लूं तो उसकी मर्जी से, वरना नहीं। तुम्हें मेरे होते हुए यहां से कोई नहीं निकाल सकता, और तुम्हें किसी से डरने की और किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी, वो आप ही का भी कमरा है, मुझे आपके साथ नहीं देख सकती वो। तुम मुझे दवाई नहीं दोगी, मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? आपके साथ नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, पर वहां नहीं आऊंगी। मेरे लिए भी नहीं। वाहिद समझने की कोशिश करें, मुझे सबसे पहले आप हैं, आपकी कदर मेरे दिल में सबसे ज्यादा है, पर आप ही मेरी बहन है, उनके सामने आपसे नहीं मिल सकती, ये मुझसे नहीं होगा। इसका कोई हल भी है? या तुम अपने कमरे में और मैं फिर से अकेला? एक हल है, पर अब शायद आपका उस पर इख्तियार नहीं रहा। ऐसा कौन सा काम है जो मेरे इख्तियार में नहीं रहा? आप ही अब खुद मुख्तार हो गए, आप उन पर हुक्म नहीं चला सकते। मैं यहां रहने वाले हर बंदे को जो हुक्म दूंगा वो ही करेगा, और मानुमा भी वो ही कर रही। दुख की बात है कि जो मैंने उसे दिया है उसे पाकर वो मुझे भूल गई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मानुमा मेरे खिलाफ जाए। अच्छा, तो क्या उनका कमरा अलग कर सकते हैं आप? ये मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हैं? जी वो ऊपर वाले कमरे में लेकर जा रही है। और वो किस लिए? क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा कमरा है। मुझे वाहिद से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो वाहिद। अगर तुम्हें वाहिद से कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुम इसकी देखभाल सवाब के लिए कर रही हो। इस चांद पे दाग नहीं, इस चांद पे दाग नहीं। सुखी, ये मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हैं? जी वो ऊपर वाले कमरे में लेकर जा रही है। और वो किस लिए? क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा कमरा है। वाहिद? सुखी, जो कहा है वो करो, तुम्हें मेरे सामने रुकने की इजाजत नहीं है। जो हुक्म सरकार। अब आप मुझे इस कमरे से भी निकाल रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इसी घर में रहोगी। क्यों कर रहे हैं ये? किसके कहने पर आप मुझसे इतना दूर जा रहे हैं वाहिद? मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना आराम चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं डिस्टर्ब करती हूँ आपको? मैंने कब डिस्टर्ब किया है? हाँ, तुम्हारे पास तो मुझे डिस्टर्ब करने का भी वक्त नहीं है। खैर, अब तुम ऊपर ही रहोगी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी टाइमिंग मैच नहीं करती। आप इतना बदल क्यों गए हैं? मैं बदला नहीं हूं मानुमा, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, और मैं तुम्हें एक मासूर को भुगतते नहीं देखना चाहता। जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है वो करो, और जिस चीज में मुझे खुशी मिलेगी मैं वो ही करूंगा।
मैं तुमसे चलना नहीं चाहता, तुमसे हसद में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए अलग कर लिया अपना कमरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। समझने के लिए वक्त निकालना पड़ता है मानुमा, तुम्हारे पास तो इसको सोचने का भी वक्त नहीं है। खैर अब तुम जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया। और मुझे इस कमरे से निकालने की वजह यकीनन मारुख को यहां लाना होगी, है ना? ये तुम्हारा मसला नहीं है मानुमा, मैं जिसके लिए भी जगह बनाऊं, तुम खुद पर ध्यान दो। चले बाबा साहब। मानुमा कहाँ है? वो नहीं जा रही हमारे साथ। क्यों? उसी ने तो तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, अब वो ही नहीं जा रही। मैंने उसे मना कर दिया है। क्यों? वो मानुमा तो कब से जा रही थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके, और अब तो उसे साथ लेकर नहीं जाना चाहते। क्यों? मैं चाहता हूं बाबा साईं कि अब मालूमा की जगह मारुख मेरे साथ चले। मालूमा बहुत थक गई है बाबा साईं, हर वक्त काम करती रहती है। मैंने सोचा कि आज मारुख भी हमारे कुछ काम आ जाए, आखिर ये भी इस घर की फर्द है। ये कहां की शराफत है कि मानुमा पर सारा बोझ डाल दिया जाए, उसे आराम करने दें। चलें या आज नहीं, फिर कभी से जब मानुमा के पास मेरे लिए वक्त हो। नहीं नहीं, चलो चेकअप आज ही होगा। हाँ भाई चको। हाँ तन पे लगे हैं वो
तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मानुमा, ये क्या छुपाने वाली बात थी? ये बेहयाई का किस्सा मैं खुद से आपको कैसे बताती बाबा साहिब, जिसपे मेरी अपनी बहन और मेरा ही शौहर मुलव्वस है। ये सब बहुत गलत है, ये होना नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे खबर देनी चाहिए थी। बाबा साहिब मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि आप तक पहुंचने से पहले ये मामला मैं खुद से संभाल लूं, ये बात अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। आप सही थे उसके बारे में, अपनी फितरत जरूर दिखाएगी, मुझे डसकर ही छोड़ेगी, और आप देखिए कि उसने मुझे डसकर ही छोड़ा है। बहुत बेबस हो गई हूँ बाबा साहिब। तुम बेबस नहीं हो, तुम वाहिद की बीवी हो। जाओ जाओ, जाकर निकालो तुम उसे अपने कमरे से। जाओ। मैंने क्या निकालना है उसे, वाहिद ने मुझे ही निकाल दिया जब अपने कमरे से और अपने दिल से। बाबा साहिब मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि वाहिद चाहते थे कि मैं उनकी जिम्मेदारी संभालूं, आपका सहारा बनूं। मैंने सिर्फ ये कोशिश की थी उन्हें अपनी माजूरी का एहसास ना हो, उन्हें अपनी लाचारी का एहसास ना हो, बदले में मेरे लिए बोगस पाल के बैठ गए अपने दिल में। नहीं, ये बोगस तुम्हारी बहन ने डाला है उसके दिल में तुम्हारे लिए, और मैं जानता हूं कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती बाबा साईं, मुझे बसने नहीं देना चाहती। वो सिर्फ वाहिद की दौलत चाहती है। पहले दिन ही मैंने उसकी आंखों में दौलत की आवाज देख ली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें मोहतात रहने के लिए कहा था। मैंने क्या मोहतात रहना था बाबा साईं, वो मेरी कॉफी में नींद की गोलियां मिलाकर मुझे सुलाती रही है ताकि मैं सो जाऊं और वो अपना काम आसानी से कर ले। जो वक्त मैं गुजारना चाहती थी वाहिद के साथ वो गुजारती रही है, और अब इतना खिलाफ कर दिया उनको मेरे लिए कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते बाबा साहिब। मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरा घर बचा ले। तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा पुत्र, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बात करता हूं आज से, करता हूं बात उससे। सही, पूरे 10 लाख। ये सब पैसे आपके हैं? हाँ, मेरे हैं। कितने हैं? मेरा मतलब है काफी ज्यादा लगते हैं, बैंक में जमा करवा देने चाहिए। इतने ज्यादा भी नहीं है, बस बिल्कुल 10 लाख है। बस 10 लाख? और अभी तो ये पहला मुनाफा हुआ है। कितने अच्छे लगते हैं ना आप, सब कुछ खुद संभालते हुए, पक्के जमींदार लगते हैं। सच में बाहर के काम तो सिर्फ मर्दों को ही अच्छे लगते हैं, औरत के हाथ में अगर बागडोर दे दो ना तो उसे लालच हो जाता है, मैं आ जाती है उसमें। जैसे आप ही सारी जिंदगी स्कूलों के हिसाब किताब में अटकी रही, और अब इतना पैसा मिला तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, सबको भूलकर खुद को मालिक समझने लग गई। मेरे नजदीक तो
पैसे से कहीं ज्यादा इंसान की अहमियत है और ये सब कुछ तो उसी के दम से है ना। अच्छा तो तुम्हारी नजर वाहिद के पैसों पर नहीं है तो फिर तुम क्यों इसके साथ रहती हो? किस तनख्वाह का इंतजार है तुम्हें ना? मुझे वाहिद से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो वाहिद अगर तुम्हें वाहिद से कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुम इसकी देखभाल सवाब के लिए कर रही हो। बाबा साहब ये सिर्फ मेरी वजह से मेरी जात की वजह से मेरा ख्याल रखती है बिना किसी मुनाफे के बिना किसी मफाद के। तुम मैं इतनी दिलचस्पी लेना तुम्हारी साली को महंगा पड़ सकता है। मारुख तुम जाओ जाके अपने कमरे में बैठो आराम से मैं आता हूं। बेहतर है कि ये बातें हम तुम्हारे कमरे में चलकर करें। अगर यहां किसी के कान में एक लफ्ज भी पड़ गया तो ये मेरी और तुम्हारी इज्जत पर भारी पड़ सकता है और मैं किसी के लिए अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। ठीक है बाबा साहब, मैं भी कब से आपसे अपने दिल की बात करना चाहता था। पहले आपने पहल कर ली तो ठीक है ऐसे ही सही। बाबा साहिब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा और आपको आपको मेरी खुशी से बढ़कर लोग हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था बाबा साहिब कि वो बदल चुके हैं। उन्हें मेरी या मुझसे जुड़े किसी भी रिश्ते की अब कोई परवाह नहीं है। ये क्या है आपी? तुम्हारा सामान है। हाँ लेकिन मेरा सामान मेरे कमरे से क्यों निकाला गया है? इसलिए निकाला गया है क्योंकि अब तुम ये हवेली छोड़ के जा रहे हो। इस चांद पे दाग नहीं, दाग नहीं। करो तुम अपने दिल की बात करो। पहले आप कहें क्या कहना चाहते। मैं तो वही दोहराने आया हूं जो बानुमा ने देखा घर के मुलाजमों ने देखा। तो क्या आप मुझे उन लोगों की नजर से देखेंगे? मैंने खुद भी देखा है जो बात दोहराते हुए मुझे शर्म आती है वो तुम कर कैसे सकते हो? इसे क्या कर दिया मैंने बाबा साहब जब आपको मेरे हवाले से शर्मिंदगी महसूस हो रही है? वो लड़की मारुख क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? बेनाम ताल्लुक कह लें या फिर इंसानियत का ताल्लुक। मेरे काम करती है बाबा से ख्याल रखती है मेरा। इन कामों के लिए तुम्हारी बीवी मौजूद है। वो बाहर के कामों से थक जाती है बाबा साहब, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। तो तुम उसकी बहन से करीब हो गए। तुम ये कैसे कर सकते हो? सब कुछ नहीं है। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है? फिर तुमने अपनी अपनी बीवी को कमरे से क्यों निकाल दिया? जल्दी उठती है बाबा साहब, काम से बाहर जाती है तो उसकी और मेरे टाइमिंग मैच नहीं। बस शायद बस मेरे सामने झूठ मत बोलो। जब आप सच जान चुके हैं तो मुझसे पूछना कैसा? तुम अपनी साली के साथ
इश्क माशूकी कर रहे हो और वो भी अपनी बीवी के सामने, तो क्या ये बात छुप जाएगी? इस बात को यही खत्म कर दो वाहिद, मैं अपनी और अपने खानदान की इज्जत तुम्हारी दिल लगी की वजह से तमाशा नहीं मना सकता। बाबा साईं, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, और आपको आपको मेरी खुशी से बढ़कर लोग हैं। ये कहां खुशी ढूंढने लग गए हो तुम? किस राह पर चल पड़े हो तुम वाहिद? ओ, तुम्हारी साली है, क्यों भूल रहे हो तुम? क्योंकि उसने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है बाबा साहब। मेरी इस मासूरी, मेरी लाचारी में साथ दिया है उसने, मेरे साथ मेरी तन्हाई को बांटा है। और वो क्यों ये सब कर रही है तुम्हारे लिए? क्योंकि वो मानुमा की तरह मेरे पैसे के पीछे नहीं है बाबा साहब। वो मेरी इस बेबसी के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मेरी कदर करती है। वो तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं है, तुमने खुद ये सब कुछ दिया था उसे। और क्या तुम वो उस लड़की के माजी को भूल जाओगे जिसने मानुमा के मंगेतर को वरगला कर खुद उसके साथ शादी कर ली थी? मैं मारुख के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। जो चीज मुझे खुश रख सकती है इस हाल में, वो मानुमा के पास नहीं है, वो मारुख के पास है। और अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बाबा साईं। आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं टांगों से नहीं चल सकता, पर ये हवेली मेरे हुक्म पर चलती है। तो क्या तुम अपने बाप की बात का मान नहीं रखोगे? अगर आप मेरे बाबा साई होते तो आज आप मुझसे मेरी खुशी पूछते कि मैं क्या चाहता, ये जानना आपके लिए जरूरी होता, महानुमा और गांव के लोग नहीं। तुम्हारी एक मुकम्मल जिंदगी है पुत्र, मारुख और महानुमा के फर्क को समझो। मानुमा तुम्हारी बीवी है, उसे साथ दिया है तुम्हारा। असाई, मारुख ने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा, हर तरह से रोकूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी एक लालची औरत के लिए बर्बाद नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया था बाबा साईं कि वो बदल चुके हैं, उन्हें मेरी या मुझसे जुड़े किसी भी रिश्ते की अब कोई परवाह नहीं है। उस पर तो मेरी अपने बाप की बात का कोई असर नहीं हो रहा। वो इतना आगे कैसे चला गया बहू के मारुख के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन रहा? ऐसा क्या कर दिया उसने कि वाहिद अपनी इज्जत, मान, मर्तबा सब कुछ भूल गया? उसने वो ही जादू किया वाहिद पर जो उसने राहिल पर किया था। बहुत सोच समझ के साजिश करती है वो। तुम्हें उसको रखना नहीं चाहिए था बाबा साईं। आपका कोई अपना आपके पास गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, माफी मांगता हुआ, पछताता हुआ आए तो आप क्या उसको माफ नहीं करेंगे? वो तो फिर बहन थी मेरी,
जगह ना देती उसको तो क्या करती? और उसने तुमसे तुम्हारी जगह छीन ली खुद वहां बैठ के। बाबा साहब इसका अंजाम आखिर होगा क्या? क्या मैं फिर से बेघर कर दी जाऊंगी? क्या मुझे फिर से दर बदर घूमना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बाबा साहब, आप देख तो आए हैं खुद। वाहिद अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो मुझे निकाल के ये वाजे कर चुके हैं कि वो मेरे साथ रहना चाहते ही नहीं है, मारुख के साथ रहना चाहते। अगर उसने तुम्हें निकाल लिया तो तुम मारुख को निकाल लो। अब असाई वो कहाँ जाएगी? मेरे दिल को उसके लिए भी तो डर लगता है। अपना सोचो बहू, मारुख का सोचोगी तो एक दिन तुम्हें ये हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में कौन है तुम्हारा? तो कोई बहन नहीं होगी तुम्हारे लिए सोचने के लिए। मारुख ने जो कुछ किया है वो माफी के काबिल नहीं है। निकाल दो उसे। पर वो यहां से जाएगी कहां वापस आए? और तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका कराची में कोई बंदोबस्त कर दूंगा। अब तुम जाओ, उससे कहो कि वो जाए यहां से। सुबह जल्दी उठ जाए करो, मुझे कमरे में बोरियत लगती है। जी, वो बाबा साहब क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएंगे आप? मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो ये बेनाम ताल्लुक बहुत शर्मिंदगी देता है। क्या कहना चाहती हो तुम? अपने इस बेनाम ताल्लुक को नाम देना चाहती हूँ। अगर आप ही से वो तीन लफ्ज बोल देंगे तो मैं आप पर हक डंके की चोट पर जमा सकूंगी। ऐसे तो मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत गुजार बन के भी गुजार सकती हूँ, लेकिन जब लोग आपके और मेरे ताल्लुक के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये क्या है आप ही? तुम्हारा सामान है। हाँ, लेकिन मेरा सामान मेरे कमरे से क्यों निकाला गया है? इसलिए निकाला गया है क्योंकि अब तुम ये हवेली छोड़ के जा रहे हो। मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे सामान की जरूरत पड़ जाएगी। कहाँ भेजा जा रहा है मारुख को? कराची। मारुख कराची जा रही है। अब चूंकि मेहमान नवाजी खत्म हो गई है तो मेहमान को चले जाना चाहिए। लेकिन मानुमा ने तो इसे कहा था कि ये भी इस घर का फर्द है जैसे हम सब हैं, ठीक वैसे ही। भूल थी मेरी कि मैंने इसको इस हवेली में इज्जत से रहने की जगह दे दी थी, पर अब नहीं, इसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाना होगा यहाँ से। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी बहन, इसको मैंने रखा था यहाँ पर और निकाल भी मैं ही रही।
जहां से आई थी वहीं वापस जा रही। लेकिन ये मेरी हवेली है, यह जरूर तुम्हारे तवस्सुस से थी, लेकिन अब ये मेरे साथ है और मेरी इजाजत के बगैर ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये यहां नहीं रह सकती वाहिद, ये मेरा फैसला है। इस लड़की का किरदार मेरी नजरों में मशकूक हो जाए वो यहां नहीं रह सकती। उठाओ इसका सामान, ले जाओ इसे। वाहिद, से कहीं नहीं जाएगी। मैं मारुख से शादी करना चाहता हूं। और अगर मारुख यहां से गई तो खुश मानुमा भी नहीं रहेगी। मैं मानुमा को तलाक दे दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? जो आपने सुना है बाबा सिंह। ये क्या पागलपन है? जिस लड़की का काम लोगों के घर उजाड़ना है, जो अपना घर नहीं बना सकी, उसे तुम मानुमा के मुकाबले में खड़ा कर रहे हो? इसकी हैसियत क्या है? हैसियत नहीं तो बन जाएगी। मानुमा की क्या हैसियत थी मुझसे शादी करने से पहले बाबा सिंह? सुखी, मारुख का सामान इज्जत और एहतराम के साथ उसके कमरे तक पहुंचाना चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले सब, मारुख को अब यहां से कोई नहीं निकालेगा और ना ही उसकी कोई बेइज्जती करेगा। यह मेरा हुक्म है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा सुखी? जी, जो हुक्म सरकार। चांद पैदा